हेलो दोस्तों, ये है वीकली कंपाइलेशन ऑफ फोर्थ वीक ऑफ अगस्त 2017 का। और इसमें कुछ ज़्यादा दिनों के ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं 20 से 31 अगस्त के जितने वीकली कंपाइलेशन है उसको एक जगह कर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर में अगर कभी अगर आपको फ्यूचर में रिविजन करना पड़े तो आप डायरेक्टली नीचे में जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो एक लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। आपको सारे कंपाइलेशन जितने भी आज तक मैंने बनाया वो जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा ना, वो कंपाइलेशन में मैं उतना डिस्क्राइबली आपको बोलूंगा नहीं, बट यू नो शॉर्टली जो जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज है वही सिर्फ डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पे न्यूज था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। एक्चुअली ये कोई भी अगर डिसीजन लेती थी ना, पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के डिफेंस से परमिशन लेती थी, ठीक है, क्योंकि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ना। बट अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने सोचा है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी दे देते हैं, जिससे क्या फ्यूचर में अगर उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना कैरी आउट करना पड़े बॉर्डर के रीजन में, तो आराम से वो कर सके, है ना। और हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बार डिस्कस भी किया है दैट ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर नहीं किया तो आपने फिर से एक बार पुराने मेरे वीडियोज देख लो, आप आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कोची चूजन टू इम्प्लीमेंट बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, एक ऐसी टारगेट जो था जिसमें बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने के लिए कुछ कुछ प्रण लिए गए थे, तो के तहत एक प्रोग्राम कैरी आउट किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा, है ना। और वो प्रोग्राम कैरी आउट किया जाएगा कोची में, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज था, और उसके बारे में हमने एची टारगेट्स के बारे में भी डिस्कस किया था उसका टारगेट टू में क्या डिस्क्राइबली किया हुआ है, और एची टारगेट्स के अलग अलग पांच गोल्स जो है वो भी हमने डिस्कस किया था। वो प्लीज आप खुद से पढ़ लीजिए दोस्तों, बार बार पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने बोला था एसएल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, जो क्या पब्लिक सेक्टर बॉडी है गवर्नमेंट के अंडर, वो इसको प्रोग्राम को कैरी आउट कर रही है, जिससे क्या एफिशिएंट लाइटनिंग को प्रमोट करना था एक एम, और साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाना था दैट आप यू नो कैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फिर को रिड्यूस कर सकते हो, और साथ ही साथ यू नो आप इन्वायरमेंट की भी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत एलईडी मतलब सीएफएल काफी ज्यादा यूज करते थे, तो उन कन्वेंशनल सीएफएल लाइट को रिप्लेस करके एलईडी लाइट्स में हमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यही इसका प्रोग्राम था बेसिकली इस एम का। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इंडियाज रोड टू बिकम सेफर ग्रीनर अंडर न्यू एनएचएआई प्लान्स। एनएचएआई प्लान्स ने एक नया प्लान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिवाइस किया था, जिसके तहत एक क्विक रिस्पॉन्स एम्बुलेंस को सेटअप किया जाएगा हर 50 किलोमीटर के दूरी पर नेशनल हाईवेज के, और साथ ही साथ सीएनजी स्टेशन भी लगाए जाएंगे जिससे क्या सारे गाड़ियां जो है वो अपने पेट्रोल या फिर डीजल से कन्वर्ट होकर सीएनजी में ट्रांसफर करवा सके, क्योंकि सीएनजी काफी ज्यादा कम पॉल्यूशन फैलाती है। और साथ ही साथ ये एम्बुलेंस इसलिए रखा जाएगा जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट कैरी आउट होता है नेशनल हाईवेज में, ठीक है, तो गोल्डन आवर जो कहा जाता है मतलब पहला घंटा ऑफ एक्सीडेंट, उसमें कहा जाता है काफी लोगों का जान बचाया जा सकता है अगर कोशिश की जाए तो एम्बुलेंस अगर हर 50 किलोमीटर में रहेगा तो रिस्पेक्टिवली यू नो एम्बुलेंस को कैच करना काफी ज्यादा आसान हो गया। तो इसलिए ये एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लान में ये सब सारे इंक्लूड किए गए थे, है ना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। दोस्तों ये 2003 में फाउंड किया हुआ गवर्नेंस कंपनी है विच इज हैविंग द गोल टू प्रमोट बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। मतलब हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत ज्यादा खामियां थी ऐसे पहले देखा जाता था 2003 के पहले, जो भरपूर नहीं किया जा सकता था, बट इसके फॉर्मेशन के बाद वो सारी खामियां को दूर किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो मतलब किस किस के संजोग से बना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, साथ ही साथ सीआईआई दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर किया था, ठीक है। और इसका मिशन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यू नो इन्हांस करना हमारे इंडिया में, ठीक है। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कहाँ कहाँ यू नो ग्रे सेक्टर्स है उस पे उस रीजन को फिलअप करना, और साथ ही साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग करना, है ना। तो यही सब कुछ कुछ इसके एम थे। नेक्स्ट चीज हमने देखा था स्वीप के बारे में, दैट इज सिस्टमेटिक्स वोटर एडुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन। ये लॉन्च किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत इलेक्शन मतलब लोगों के अलॉन्ग यू नो अवेयरनेस फैलाया जा सके, लोगों को एडुकेट किया जा सके, लोगों को मोटिवेट किया जा सके दैट आपका का जो डेमोक्रेटिक एक राइट है उसको आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप उस वोट देकर आप अपने डेमोक्रेटिक राइट को अगर एक्सरसाइज करते हो तो उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है हमारे नेशनल और यू नो लोकल लेवल में, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रोग्राम था इसके तहत, है ना। और कुछ कुछ कॉम्पोनेंट्स है दैट वोटर जिससे मतलब ये
प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद वोटर के बिहेवियर का सर्वे किया जाएगा, साथ ही साथ यू नो और भी कुछ कुछ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और भी कुछ कुछ मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें थी जिससे लोग यू नो अवेयर हो सके इसके बारे में। नेक्स्ट हमने देखा था घंटाशाला आंध्र प्रदेश में 70 फीट बुद्धा स्टैचू को यू नो एज ए टूरिस्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करने वाला है, ठीक है, जहां पर इस टाइप का एक बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, ये बुद्धा जो है ये महानिर्वाण पोस्चर में ये सोए हुए ऐसे रहेंगे, ठीक है। और महानिर्वाण पोस्चर का मतलब क्या होता है वो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इट इज एन अल्टीमेट स्टेट वेयर एवरलास्टिंग हाईएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस इज ऑब्टेन्ड बाय द बुद्धा, ठीक है। और ये बुद्धा टूरिस्ट स्पॉट तो होगा ही, आपको समझ में ही आ रहा है यार, टूरिस्ट के लिए ही सब कुछ बनाया जाता है ना, साथ ही साथ बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा मतलब एक पूजा करने वाला जगह हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमने देखता है 22 अगस्त के करंट अफेयर में हमने क्या देखा था, उसके में पहला था स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक इनिशिएटिव था जिससे क्या बच्चों को यू नो केंद्रीय विद्यालय में पुश किया जाएगा दैट आप पढ़ाई तो कर ही रहो बट साथ ही साथ खेलकूद भी करो, और मिनिमम 60 मिनट के लिए बोला गया था दैट हर एक दिन उन बच्चों को 60 डे खेलना पड़ेगा जिससे वो कहीं ना कहीं एक खेल के प्रति आकर्षक हो सके, जिससे फ्यूचर में अगर हम हो सके तो ज्यादा से ज्यादा यू नो ओलंपिक मेडल्स हमें गेन कर सके, ठीक है। तो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है हमारे गवर्नमेंट इस सेक्टर में। नेक्स्ट इज डिजिटल पुलिस पोर्टल के बारे में हमने देखा था, होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था डिजिटल पुलिस पोर्टल अंडर CCTNS प्रोजेक्ट, ठीक है। CCTNS के बारे में पहले देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, है ना, जिसको क्रिएट किया गया था एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस, है ना। और साथ ही साथ इसको इंप्लीमेंट किया गया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, और इसके तहत सिस्टम इंक्लूड्स नेशनल वाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस डिजिटल पुलिस पोर्टल के तहत हम अगर नॉर्मल सिटीजन अगर चाहे तो वो ऑनलाइन FIR मतलब भर सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि ये पुलिस को जोड़ा जाएगा तो कहा जा रहा है दैट यू नो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने को ज्यादा इजी होगा, ठीक है। बाई चांस अगर एक क्राइम अगर दूसरे एक कोई क्रिमिनल अगर दूसरा स्टेट का दूसरा जगह में क्राइम करता है तो यू नो उस डेटा से यू नो पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जो कि अभी तक उठानी पड़ती थी। नेक्स्ट हमने देखा था इंडिया एक्सक्लूसिवली राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटालिक नोड्यूल, इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से परमिशन लिया कि दैट इंडियन ओशन रीजन के दैट इज सेंट्रल इंडियन ओशन बेड के रीजन में, मतलब इंडिया पेनिनसुला के एकदम नीचे वाले रीजन में बेसिकली, ठीक है। तो उस ओशन बेड में जिससे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होता क्या दोस्तों, ये एक आलू शेप का देखिए नोड्यूल होता है इस टाइप का, ठीक है। यहां पे बहुत सारे मेटल्स जो है वो एक ही यू नो एक पत्थर जैसे नोड्यूल्स में इसमें जमा हुआ रहता है, ठीक है। और उसको अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सके तो ऐसा कहा जाता है दैट हमारा यू नो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। जो कि मेटल उस टाइप के मेटल्स जैसे कॉपर निकल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो सब नोड्यूल से, तो उसको अगर एक्सट्रैक्ट करके यू नो हम कमर्शलाइज करें तो काफी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से परमिशन लिया गया था, और इससे इसको हमने ये भी डिस्कस किया था दैट इससे क्योंकि हम इंडियन ओशियन रीजन में ऐसा परमिशन ले रहे हैं इंडियन ओशियन के हाई सीज रीजन में, तो कहा जा रहा है दैट हमारा इंडियन ओशियन रीजन में इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के बारे में, ये एक इंटरनेशनल बॉडी था विच जो क्या किंगस्टन में सेटअप है, मतलब इसी के तहत वो न्यूज था बेसिकली, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ सी ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। और इसमें देखिए जितने ब्लू में है ना ये सारे मेंबर स्टेट्स है, और जो जो येलो में है ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ठीक है। एंड इसका एम है टू ऑर्गेनाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सीबेट एरिया बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिडिक्शन, है ना। नेक्स्ट हमने संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम देखा था दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का हम लोग यू नो 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके तहत बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा दैट न्यू इंडिया मूवमेंट हम लोग संगठन कर रहे हैं जिसके तहत 2017 से 2022 तक मतलब ये 5 साल हम लोग एक न्यू इंडिया मूवमेंट करेंगे जिससे फ्यूचर में हम इंडिया को न्यू इंडिया दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके तहत इंडिया क्या होगा न्यू इंडिया में, इंडिया विल बी फ्री ऑफ पॉवर्टी करप्शन टेररिज्म कम्युनलिज्म कास्टिज्म एंड अनक्लीनलीनेस, ठीक है। ये एग्जाम मतलब एम है सरकार का। नेक्स्ट हमने देखा था
सेकेंड लाइट यूटिलिटी क्राफ्ट L-52 ऑफ मार्क 4 क्लास हैज बीन मतलब डिप्लॉय किया गया है एंड ये एक बेसिकली एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट है जिस जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है ट्रूप्स को अटैक टैंक्स कैरी आउट कर सकता है और भी इसके मल्टी रोल एक्टिविटीज है जैसे डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट कर सकता है सप्लाई एंड रिप्लेनिशमेंट एंड इवैक्यूएशन ऑफ डिस्टेंट आइलैंड्स तो इस टाइप की एक्टिविटीज भी ये कैरी आउट कर सकता है ठीक है तो देख लीजिएगा नेक्स्ट हमने उल्ची फ्रीडम गार्जियन एक्सरसाइज देखा था दोस्तों ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में पहला ऐसा मतलब इस साल का यू नो मेजर एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कैरी आउट किया जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है नॉर्थ कोरिया से काफी ज्यादा थ्रेट मिल रहा है ठीक है इसलिए वो लोग डर के मिलिट्री एक्सरसाइज कैरी आउट कर रहे हैं। देखिए अब ये तो यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में हमने बोला ही था बट साथ ही साथ इसमें कुछ कुछ सेवन अदर कंट्रीज भी इंक्लूडेड थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें है ऑस्ट्रेलिया कैनेडा कोलंबिया डेनमार्क न्यूजीलैंड नीदरलैंड एंड ब्रिटेन ठीक है और प्योंगयांग इसको काफी ज्यादा डर से देख रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है दैट इस एक्सरसाइज से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है दैट जैसे यूएस ने यू नो इराक में इन्वेजन किया था वैसे यहां पर भी इन्वेजन कर ले ठीक है इसलिए भी वो लोग पगला गया है किम जोंग उन ठीक है वो उल्टा पुल्टा धमकी देते रहता है यूएस को है ना। चलिए नेक्स्ट हमने देखना था 23 अगस्त 2017 का प्रीलिम फोगर डिस्कशन। पहला हमने देखा था प्रोजेक्ट वर्षाधारी ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि देखा गया दैट यू नो अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून के कारण यू नो वो लोग ये प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं जिससे क्या वहां पर कुछ कुछ रीजन जहां पर बारिश नहीं मिलती है वहां पर आर्टिफिशियल बारिश पहुंचाया जा सके ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के तहत क्या स्प्रे किया जाता है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड सिल्वर क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और को कंडेंसेट किया जाता है वाटर पार्टिकल्स को जिससे जमा हो जाए और वाटर पार्टिकल्स अगर आसमान में जमा हो जाएगा ये सब छोड़कर तो क्या होगा ना वो पार्टिकल रिस्पेक्टिवली भारी हो जाएगा और नीचे में गिर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पानी ठीक है। और इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था मुझे याद है दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार खुद से मेहनत करके देख लो है ना। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था ICHR के बारे में न्यूज था क्योंकि वो लोग बोल रहे थे दैट हमारे ICHR के इंस्टीट्यूशन में भी 7th पे कमीशन लगाइए नहीं तो हम लोग स्ट्राइक में बैठ जाएंगे। तो ये क्या था ये दोस्तों ये एक ऑटोनोमस बॉडी था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हिस्टोरियंस या फिर वैसे रिसर्च स्कॉलर्स जो कि हिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च कैरी आउट करते हैं ठीक है। तो फंड कहां से मिलता है देखिए वैसे तो फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस में इसको फंड दे सकती है अगर आप भी चाहो तो आप इसमें डोनेट कर सकते हो बट स्टिल यू नो जो एक्चुअल authentic source of you know fund collection from for this institution is obtained from Department of Higher Education in Ministry of Human Resource Development. Next हमने देखा था passport को police verification की अब जरूरत नहीं है क्योंकि CCTNS के project के under में सब कुछ data ला दिया जाएगा इससे police को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और police को you know घर में जाकर verification करने की ज़रूरत नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि allegations लगाए जाते थे that पहले passport verifications के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है police को ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था दो नए अर्थवर्म स्पेशीज फाउंड किए गए थे केरला में जो किसका नाम था ड्रविडा पॉली डी देख लीजिए यार दो अजीब टाइप के नाम थे वो तब भी मैं नहीं पढ़ पाया था अभी भी नहीं पढ़ पा रहा हूं है ना। तो यही है दोस्त दो बेसिकली दो अर्थवर्म स्पेशीज मिले थे वहां से। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सर्जिकल रोबोट को क्रिएट किया गया था यूएस साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था वर्सियस। ये एक कंट्रोल्ड बाय सर्जन मतलब सर्जन इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा ठीक है और ये कहा जा रहा है दैट अभी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ओपन सर्जरीज जो होती है उसको अब डायरेक्ट मतलब डॉक्टर को चाहिए होता था ना अभी डॉक्टर का जरूरत ऐसा कहा जा रहा है इसको अगर डिप्लॉय कर दिया तो डॉक्टर का जरूरत नहीं होगा बट मुझे तो पता नहीं अजीब टाइप का लगा था बट एनीवेज वो अब है तो है ठीक है। देखिए इस टाइप का बेसिकली होगा ठीक है और ये इसको पता है इतना मतलब तगड़ा रोबोट है दैट ये अगर जैसे बॉडी के भीतर में आपको घुस के ऑपरेशन या फिर सुइयां दे रहा है ना तो आपको उसको इसको पता रहेगा दैट किस अंग में कितना प्रेशर देना पड़ेगा समझ रहे बात। तो ये सब सारे क्राइटेरियाज इसके थे। नेक्स्ट हमने देखा था ICMR इंक्स डील्स टू प्रमोट वैक्सीन डेवलपमेंट दोस्तों एक्चुअली इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ यू नो डील किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने MOU साइन किया है जिससे वो लोग कोलाबोरेट करेगा दो इंस्टीट्यूशन के बीच में ऑन द वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना। तो इसके बारे में हम क्यों कर रहा था क्योंकि इंडिया में आपको पता है इंडिकेटर्स काफी ज्यादा कम है ठीक है कहा जाता है साउथ एशियन रीजन में इंडिया सबसे ज्यादा पिछड़ा है अपना हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर ठीक है। अब देखिए हम वैक्सीन अगर डेवलप करेंगे तो यू नो हम लोग उस रीजन में कैपेसिटी बिल्डिंग होगा हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग होगा तो यू नो अच्छी अच्छी काम फ्यूचर में कर सकते हैं हम लोग है ना मतलब अच्छा सा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर हम सिक्योर कर सकते हैं ठीक है।
तो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट 1997 में गठन किया गया था, और ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और ये सियोल दैट इज साउथ कोरिया बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, विच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव वैक्सीन, है ना। और यही है दोस्तों, नेक्स्ट हमने देखा था चैंपियन ऑफ चेंज। दोस्तों ये एक इनिशिएटिव था नीति आयोग का, जिसके तहत कहा गया था इंडिया को जो न्यू इंडिया फॉर्मेशन करे उसके लिए कुछ यू नो गवर्नमेंट का स्टेप था, है ना। इसके तहत क्या होगा ना, गवर्नमेंट सीईओज और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर से मिले थे, है ना। मतलब हमारा गवर्नमेंट का कुछ कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, और भी कुछ कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के मिनिस्टर, वो लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके साथ किया गया था, जिससे उनसे यू नो उनसे राय मांगा गया दैट आप बताइए मेक इन इंडिया को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फार्मर्स के इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज के द्वारा, ठीक है, जिसको जो कि जिस सेक्टर में हमारे नए नए सीईओज और यू नो एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ ही साथ यही सब बोला गया था, और साथ ही साथ सरकार ने एग्जांपल भी दिया था, देखिए हमने तो अपना काम किया दैट हम, क्योंकि हम वेस्ट टू वेल्थ को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, बट आप भी ये सब कीजिए, है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला गया था दैट ई मार्केट प्लेस को भी हमने काफी ज्यादा प्रमोट किया, जिससे स्मॉल ट्रेडर्स जो है उनसे हम लोग डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ई मार्केट प्लेस क्या होता है ये खुद से पढ़ लो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, दोस्तों ये न्यूज में था, तो उसी के बारे में देखा था दैट ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयरमैन चेयर किया जाता है, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो गवर्नर रहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्रेटरी और भी बहुत सारे दोस्तों आपका पीएफआरडीए के यू नो चेयरमैन रहते हैं, साथ ही साथ और भी देख लीजिए जो है। और ये क्या क्या डील करता है दोस्तों, ये बेसिकली वैसे मैटर पे डील करता है जो क्या फाइनेंशियल के स्टेबिलिटी के रिलेटेड हो, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलप किया जाए, ठीक है। और इसी के तहत ये जितने भी सारे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है सब लोग कोई मिलकर यू नो कोई डिसीजन लेते हैं फाइनेंस के, हमारे इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मेंटोर इंडिया कैंपेन, ये एक नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोग्राम था, और इसके तहत इंगेज किया जाएगा लीडर्स को टू गाइड द न्यू माइंड्स इन द अटल टिंकरिंग लैब्स। देखिए अटल टिंकरिंग लैब्स जो है हम डिस्कस करते हैं ये क्या है दोस्तों, ये देखिए अटल टिंकरिंग लैब्स में बेसिकली 6th से 12th क्लास के बच्चों इंक्लूडेड रहते हैं, जिससे वो लोग डिफरेंट यू नो रिसर्च एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर यू नो इसको फॉर्म किया गया था, जो अटल इनोवेशन मिशन भी नीति आयोग के अंडर था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना मेंटोर इंडिया कैंपेन ये भी नीति आयोग ने ही लॉन्च किया, आप समझ गए क्या बहुत किसका है। अच्छा इसका एम क्या है, जिससे इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकते ज्यादा से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब का आउटपुट्स जिससे ज्यादा से ज्यादा निकल सके, है ना। तो दिस वॉज अबाउट दिस, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज 24th अगस्त का करंट अफेयर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया ट्रिपल तलाक को, ठीक है, बहुत अच्छा बात था, और हमने देखा था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया है, है ना। और हाँ यही है, बाकी तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया था और काफी ज्यादा आर्टिकल्स भी उससे डिस्कस किए थे। इंडिया वेलकम्स ट्रंप्स न्यू अफगानिस्तान पॉलिसी, ट्रंप ने एक नया अफगानिस्तान पॉलिसी लाया था, जिसके तहत ट्रंप ने इंडिया के काफी तारीफ की थी और इंडिया का कोऑर्डिनेशन मांगा था दैट आपका कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस प्रिवेल करने में, ठीक है। और इसके तहत कहा जा रहा था क्योंकि ऐसा कहा गया था हमारे पक्ष में, और साथ ही साथ यू नो पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा फटकार लगाया गया था दैट आप अपने सॉयल में अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पना दे रहे हैं ना, आपके वहां पर और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी काफी डांट पड़ा था, और साथ ही साथ कहा गया था जिससे क्योंकि हमारा यू नो अभी फ्यूचर में अफगानिस्तान में अपना हमारा पॉलिसी इनहांस हो सकता है, तो इसलिए हमें सेंट्रल एशिया से सेंट्रल एशिया में इंक्रीज एक्सेस मिल सकता है, साथ ही साथ हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस भी चीज था क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग दोनों तरफ से मेंटोर कर सकते थे, ठीक है, और टेररिज्म को भी कंटेन कर सकते थे, और मेक इन इंडिया का प्रोग्राम को भी हमारा बहुत ज्यादा फ्यूचर में इनहांस हो सकता था, है ना। और साथ ही साथ हमने देखा था पाकिस्तान के यू नो मिनिस्टर्स ने फॉरेन मिनिस्टर्स ने काफी ज्यादा रिएक्ट किया था, यूएस के प्रेसिडेंट ने जो उनको दोषी करा दिया था, उन्होंने बोल देखिए उनका क्या कहना है ना, उनका कहना है दैट हम जो इनको इन ये टेररिस्ट नहीं है, ये मुजाहिदीन से जो क्या कश्मीर को हमारे मतलब पाकिस्तान को फिर से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, बट मुजाहिदीन के नाम पर तो ये लोग टेररिज्म फैला रहे हैं ना, वो लोग तो पाकिस्तान समझना ही नहीं चाहता, तो एनीवेज सब वो क्या बोलूं यार छोड़। नेक्स्ट इज न्यू स्पीशीज ऑफ जीनस निसिका बैक्ट्रेचस, देखिए एक मेंढक का
नया स्पीशीज पे आ गया था जो क्या पहले भी एग्जिस्ट करता था, पर इंडिया में नहीं, पहले एग्जिस्ट करता था सेशेलीज में, ठीक है। सेशेलीज अभी कहाँ है, देखिए इंडियन ओशन में, आपका इंडियन ओशन रीजन का एक कंट्री आप मैप में देख लो, आपको ज़्यादा बढ़िया, पर मैं यहाँ पर मैप में इंक्लूड नहीं किया, बट एनी वेज कर लेना चाहिए था मेरे को। तो उसी का सेम स्पीशीज जो है ना वो हमारे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में मिला है ना, और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, श्री विल्ला पुतुर ग्रिजल्ड जायंट स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो क्या तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी देखिए इसका शेप ऐसा पिग टाइप का नोज का है ना, और ये सॉइल ड्वेलिंग स्पीशीज ऑफ व्हिच इज सिमिलर टू द पर्पल फ्रॉग व्हिच इज बीइंग फाउंड इन सेशेलीज, और इसको कहा गया था ये हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो पास्ट में हुआ था उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि, है ना। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने अप्रूव किया था एमओयू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, देखिए ड्रग डिफरेंट सेक्टर में हमारा, क्योंकि नेपाल के यहाँ के प्रधानमंत्री का इंडिया में विजिट था तो इसीलिए डिफरेंट सेक्टर्स में एमओयू साइन किया गया था, उसमें थे ड्रग्स डिमांड रिडक्शन ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स ड्रग्स, उसके क्या क्या फायदे हैं ये बक्से में दो लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज एमओयू साइन किया गया था मेची रिवर को फॉर्म, मेची रिवर के ऊपर ब्रिज बनाने में इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। इसके तहत इंडिया गवर्नमेंट से जो लोन मतलब पैसा दिया जाएगा वो एडीबी लोन, दैट इज एशिया डेवलपमेंट बैंक के तहत जो लोन मिला था उसके तहत दिया जाएगा, है ना। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था दैट ये जो असाइन किया गया था ये नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को असाइन किया गया था दैट वो इन इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करे, है ना। और देखिए मेची रिवर है कहाँ, ये इस रीजन में, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, देख रहे हैं चिकन नेक जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर ये जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है यहाँ से फैल रहा है, मतलब ये मेची रिवर जाता है ना। नेक्स्ट इज कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, देखिए ओबीसी को पता है आपको जाके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया वो, तो इसीलिए एक सब एक कमिटी का गठन किया गया था दैट जिससे क्या कमिटी पता लगाया दैट अभी का जो ओबीसी में लिस्ट में जो है ना वो एक्चुअली में उनको एग्जिस्ट करना चाहिए क्या नहीं, क्या उनको ज़्यादा ही कुछ फायदा दे दिया गया है, मतलब एक्सक्लूजन भी कर सकती है ये कमिटी और इंक्लूजन भी कर सकती है ओबीसी में, मतलब सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पावर था। नेक्स्ट हमने देखा था प्रधानमंत्री किसान संपादे योजना के बारे में, संपादे का फुल फॉर्म दोस्तों इस ग्रीन बक्से में दिया हुआ है, और इस प्रधानमंत्री किसान संपादे योजना का एम था टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज प्रोसेस एंड डिक्रीज एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो कि अभी काफी ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके तहत बोला गया था दैट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सेटअप किया जाएगा जिससे चेन मैनेजमेंट को, चेन मैनेजमेंट में जो भी अगर प्रॉब्लम आता है उसको एफिशिएंटली सप्लाई इंश्योर किया जा सके, है ना। साथ ही साथ बोला गया था दैट इट विल गिव अ बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, एंड साथ ही साथ बोला गया था किसान को इंप्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा मिलेगा क्योंकि, और इसी के तहत यू नो सरकार का जो वो एम है जो 2022 तक किसान का यू नो इनकम डबल कर सके वो भी एम पूरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज मेंटोर इंडिया कैंपेन के बारे में फिर से न्यूज में था दोस्तों, है ना, दो दिन न्यूज में था इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया तो ये देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट इज 25 अगस्त का करंट अफेयर्स दोस्तों, मॉस को ऐसा मतलब जापान के साइंटिस्ट ने रिसर्च आउट किया गया था दैट मॉस जो होते हैं ये सब जो कि पेड़ के नीचे में आप देखिएगा जड़ में या फिर कहीं पर डैम्प स्पेस जो है ना वहां पर जम जाते हैं, तो उसके बारे में डेफिनेशन भी दिया हुआ है नीचे वाले बक्से में, मॉस क्या होता है वो देख लीजिए। बोला गया दैट ये एज अ बायो इंडिकेटर भी काम कर सकते हैं, मतलब अभी तक जो हम लोग मशीन से यू नो क्लाइमेट चेंज को मापते थे मशीन से भी मापने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल इस मॉब्स के कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कीजिए उसी से आपको पता चल जाएगा दैट क्लाइमेट कैसे चेंज कर रहा है ना, तो ये काफी ज्यादा अच्छा चीज बताया गया था। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट ब्रेन वायर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसके तहत एक रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप किया जा सके, और साथ ही साथ इसमें बोला गया था दैट ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस है जो कि लाइव स्ट्रीम को कैरी आउट कर सकता है, और भी कुछ कुछ ये सारे फैक्चुअल बातें यार, ठीक है पढ़ लो, मतलब फिर टेक्नोलॉजिकल बात है, इतने टेक्नोलॉजिकल का भी पूछता नहीं है ना, वो तो न्यूज में था मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम दैट इज उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, वो न्यूज में था दोस्तों, ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए ध्यान से क्योंकि ऐसा मेन्स पॉइंट्स के फोटो में आप डायरेक्टली इसको इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। इट लेट द कॉमन सिटीजन टू ऑफ द कंट्री वाइड टू फ्लाई, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता था दैट लोग एफर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है, अभी एफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ यू नो वाइड स्प्रेड भी है जिससे लोग ट्रेन में उड़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये जॉब ग्रोथ भी करेगा और डिफरेंट स्टेट्स का रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ भी करेगा।
नेक्स्ट हमने देखा था स्पाइस काया टावर। दोस्तों ये इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल था जो कि मॉस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और तो काफ़ी ज़्यादा वही कहा गया था दैट ये हमारे दोनों के बीच के मिलिट्री टाइज को काफ़ी ज़्यादा इनहांस करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था फाइनेंस मिनिस्टर ने नीति आयोग का 3 ईयर्स एक्शन एजेंट है उसने यू नो अनाउंस किया है, तो उसी के बारे में हमने देखा था दैट 3 इंडिया एक्शन एजेंसी है, एक्शन 3 ईयर एक्शन एजेंडा है क्या दोस्तों। बेसिकली देखिए इसमें एक होता है, मतलब सरकार बोली थी दैट अभी जो प्लानिंग कमीशन जो होता है उसको हटाकर हम लोग 15 साल का विजन प्रोजेक्ट करेंगे। 15 साल का विजन में 7 साल का एक स्ट्रेटजी होगा और साथ ही साथ 3 साल का एक्शन एजेंडा होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ था दैट 3 साल के एक्शन एजेंडा में क्या क्या किया जाएगा, वही नीचे में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट। दोस्तों एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी को हमारा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करार कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत इसको एज अ फंडामेंटल राइट मतलब घोषित कर दिया गया है ना, और साथ ही साथ बोला गया था पुराने जितने सारे केसेस थे जो कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर यू नो कहीं ना कहीं लटके हुए थे या फिर कहीं किसी किसी का गलत डिसीजन आ गया था, तो उसका अभी सुधर सकता है वो सारे डिसीजन। ठीक है, और साथ ही साथ बोला गया था दैट LGBT कम्युनिटीज को जो मतलब सेक्शन 377 के तहत यू नो उनका बोला गया था दैट वो सेक्शन 377 जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो शायद फिर से चेंज कर सकती है सरकार, तो उसी के बारे में थोड़ा न्यूज हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने देखा था इरावदी डॉल्फिन। दोस्तों ये वल्नरेबल कैटेगरी का एक स्पीशीज है IUCN के इंटरनेशनल लिस्ट में, और देखिए कहां कहां मिलता है इरावदी डॉल्फिन, ये रीजन देख लीजिए ब्लू में सारा मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसको चिलिका के रामबा सेक्टर में डिप्लॉय किया गया था है ना, तो उसी के बारे में न्यूज था दैट चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है तो उन्होंने जितने सारे चिलिका रीजन में इलीगल प्रॉन इंक्लोजर्स थे, मतलब इलीगल तरीके से अभी प्रॉन को पकड़ा जाता था, तो वो सारे इलीगल चीजों को हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि बोला गया था दैट उस सारे इंक्लोजर में फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है दैट ये इरावदी डॉल्फिन फंस जाए। ठीक है, तो इसीलिए यही इसी को देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया था। नेक्स्ट 26 तारीख का दोस्तों खरीफ क्रॉप के बारे में हमने बोला था, देखिए वैसे कुछ इंपॉर्टेंट वैसे नहीं था बट देख लीजिए खरीफ क्रॉप में आता कौन कौन है, क्योंकि MCQs में काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉल्स अंडर खरीफ क्रॉप है ना, और या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर खरीफ क्रॉप है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमन है, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे इंडियन इकोनॉमिक को ट्रांसफॉर्म किया जा सके थ्रू आर्टिफिशियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने फिर से गुनगुनाया था इंडस्ट्री 4.0 का राप है ना, और साथ ही साथ बोला था दैट इससे कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना और भी सख्त बना सके। ठीक है, तो इसी के लिए पैनल एक संगठन किया गया था और बोला गया था तो उस पैनल में एक्सपर्ट्स रहेंगे, एकेडमिक्स रहेंगे, रिसर्चर्स रहेंगे, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लीडर्स रहेंगे, और साथ ही साथ वो लोग एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटीज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम लोग कैसे हमारे इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ग्रोथ लाया जा सके है ना। नेक्स्ट MPLDS स्कीम दोस्तों न्यूज में था, क्योंकि मिनिस्ट्रीज डिफरेंट मिनिस्टर्स ने काफी ज्यादा तारीफ किया था दैट मेघालय में MPLDS स्कीम से काफी ज्यादा फायदा हुआ, तो इसी के बारे में हमने देखा था दैट इसको 1993 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है, और इसके तहत MPs को 5 करोड़ रुपया दिया जाता है जिससे कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पैसे खर्च करके सोशल डेवलपमेंट का वर्क कैरी आउट कर सके है ना। नेक्स्ट हमने देखा था एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड जो है वो प्रोक्योर करने वाली है स्मार्ट मीटर्स, तो स्मार्ट मीटर्स का क्या क्या फायदा है दोस्तों, ये एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस जो अभी अकर करती है तो उनको काफी ज्यादा रिड्यूस करता है, साथ ही साथ पावर थेफ्ट भी इससे नहीं होता है, लोग पावर की चोरी नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले क्या होता था ना, यहाँ पे 2 तार होते थे उसको तार को चिपका दीजिए आराम से मीटर बंद हो जाएगा पर आपके घर में मतलब बिजली आते रहेगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं हो पाएगा इससे है ना, तो उसी के बारे में कुछ फायदे दिए गए थे दैट रियल टाइम एनर्जी कंजम्पशन डेटा कंज्यूमर को मिल सकता है, साथ ही साथ एक्यूरेट बिलिंग मतलब वो लोग एश्योर हो सकते हैं दैट जो बिल आ रहा है वो सही आ रहा है। नेक्स्ट TRAI न्यूज में था, क्योंकि TRAI ने 3 करोड़ का फाइन लगाया था आइडिया को क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर को ओवरचार्ज करते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने देखा था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1997 को फॉर्म किया गया था, और साथ ही साथ ये इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया, और इसका काम क्या है टू क्रिएट नर्चर कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, और भी साथ कुछ काम है जो नीचे
नीचे वाले इसमें बक्से में दिया हुआ है, जैसे डीटीएस सर्विसेज, जितने सारे डिफरेंट अदर टाइप ऑफ सर्विसेज, टैरिफ रेट्स है ना, वो सारे डिसाइड किया जाता है टीआरए एआई के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, पाकिस्तान मे फेस अनदर 1971, ऐसे नवाज शरीफ ने बोला था, क्योंकि यू नो अभी 70 साल के हिस्ट्री में 18 प्राइम मिनिस्टर्स आए, और 18 प्राइम मिनिस्टर को, एक भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल का टोटल यू नो अवधि समा करने के लिए नहीं अलाउ किया गया, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है, ये एक पाकिस्तान के डेमोक्रेसी का लॉस है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फेल कर गई है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बोला जा रहा है दैट वहां का मिलिट्री रूल ज्यादा डोमिनेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ को बिना मतलब का भगा, मतलब पोस्ट से उतार दिया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में न्यूज था। नेक्स्ट हमने देखा था एनएचआरसी जो है वो पुलिस स्टेशन में कुछ प्रोब करने वाली है मर्डर, तो ये इस एनएचआरसी के बारे में देख लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर फॉर्म किया गया था, और ये रिस्पॉन्सिबल है जिससे क्या प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन के राइट्स को, और साथ ही साथ ये जेल में भी विजिट करती है, देखती है दैट ह्यूमन राइट वहां पे मेंटेन किया जा रहा है क्या नहीं, और साथ ही साथ ये मतलब एनजीओज या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमन राइट के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा सांत्वना देती है, चलिए हम भी आपके साथ है ना। और वही यही इसी के बारे में दोस्तों न्यूज में था। नेक्स्ट न्यूज में दोस्तों हमने देखा था चाइना ने एग्री कर लिया दैट अभी जो ट्रेड इम्बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, वो चाइना देखेगी, मतलब उसमें चाइना फोकस डालेगी जिससे कैसे यू नो इस ट्रेड इम्बैलेंस को फिर से बैलेंस किया जा सके, और साथ ही साथ चाइना बोला इसलिए इंडिया के कंसर्न्स को चाइना फोकस करेगी। द साइनिट्री फैनिसाइट्री मेजर्स जो है चाइना हमारे गुड्स में काफी ज्यादा लगाती थी, साथ ही साथ हमारे इंडियन फार्माक्यूटिकल्स कंपनी में भी काफी ज्यादा रेगुलेशंस था उनका, ठीक है, जो भी फार्माक्यूटिकल हमारी कंपनी चाइना में अपना बिजनेस चालू करना चाहती थी तो उनसे काफी ज्यादा यू नो रेस्ट्रिक्शंस से पेश आते थे चाइना है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं ढीला छोड़ने का चाइना ने वादा किया हमसे, और साथ ही साथ इंडियन और आईटी बिजनेस को इंडियन आईटी इंडस्ट्री और बिजनेस इंडस्ट्री को चाइना के रीजन में यू नो इंट्रूड किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में न्यूज था दोस्तों, बीजिंग डज नॉट वांट डोकलम स्टैंड ऑफ टू हर्ट ट्रेड, ठीक है, बीजिंग नहीं चाहता था दैट ये डोकलम स्टैंड ऑफ से हमारा ट्रेड हनन हो, क्योंकि देखिए हमसे अगर वो झगड़ा करता था ना उस सिचुएशन में, जो कि अभी वैसे सिचुएशन अभी काम है, तो अगर झगड़ा करेगा तो उनका काफी ज्यादा लॉस होगा, तो इसीलिए उन लोगों ने ऐसा बोला है, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेजर्स उस समय आया जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके 93 प्रोडक्ट्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया था, ठीक है, इससे वो लोग तिलमिला गए, वो लोग डर लग गए दैट फ्यूचर में भी अगर इंडिया ने और भी ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया तब फिर तो हम लोग का ट्रेड पूरा मार खा जाएगा इस रीजन से, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रपोजल इंडिया को रखा था। नेक्स्ट हमने 27th और 28th अगस्त का न्यूज़ में देखा था दोस्तों, पहला न्यूज़ था उसमें नॉर्थ ईस्ट येट टू इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही ऐसा बोला था दैट आसाम के द्वारा जो गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जिसके तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया जा सकता था which were who were enjoying the ranks of ministries of states, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा हमारा नियम है दैट 15% तक ही सिर्फ यू नो लोग वहां के मिनिस्ट्री मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स है उतने मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, बट ये लोग क्या करते थे ना, डॉच करते थे उस चीज को, मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करते थे और वो लोग भी सिमिलर ऑलमोस्ट सेम था, मिनिस्टर के तरह ही उनका रैंक था, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता था ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर्स के मतलब मिनिस्टर्स के पोस्ट में रखकर खुश किया जाता था, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था, बट उस दिन न्यूज में इसलिए था क्योंकि और दूसरे स्टेट जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, तो ये लोगों ने अभी तक रखा हुआ है उस चीज को, ठीक है, अभी तक उनको हटाया नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना ही है। नेक्स्ट देखा था नौखाई जुहार के बारे में दोस्तों, ये उड़ीसा का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिसके तहत फार्मर्स जो है नया जब राइस उगता है तो वो उस राइस का पूजा करते हैं, ठीक है, और उस राइस को डायरेक्ट पहले खुद नहीं खाते थे, पहले गॉडेस समलेश्वरी को खिलाते हैं, उसके बाद खुद कंज्यूम करते हैं या फिर बेचने जाते हैं, ठीक है, तो ये नौखाई जुहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ग्रामीण खेल महोत्सव दोस्तों, ये एक फर्स्ट एडिशन ऑफ रूरल गेम्स है जिसके तहत एम किया जाएगा इंडिजिनस गेम्स को, जो हमारे गेम्स है उनको प्रमोट करना, ठीक है, मतलब सिर्फ क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल नहीं, हमारे रेसलिंग्स को प्रमोट करना, एथलेटिक्स को प्रमोट करना, ठीक है, और साथ ही साथ यू नो इस ग्रामीण खेल महोत्सव में थोड़ा फन लाने के लिए छोटे छोटे गेम जैसे मटका रेस है ना, टग ऑफ वॉर फॉर सीनियर सिटीजन, तो ये सब भी इंक्लूड किया गया था, इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट साइमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली पोल्स, ऐसा यू नो प्रपोज किया गया था नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, तो उसके फायदा कुछ कुछ इन्होंने गिनाया था दैट पब्लिक मनी सेव होगा, साथ ही साथ अभी जो कैंपेन मोड में सरकार आ जाती है हर साल तो उससे क्या होता था, काफी ज्यादा गवर्नेंस डिस्टर्ब्ड होता था, तो वो नहीं होगा फ्यूचर में, ऐसा कहा जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है।
तो इसके तहत बोला गया दैट इलेक्शन कमीशन जो है ये एक नोडल एजेंसी, इसको अपॉइंट किया गया टू टेक दिस एक्सरसाइज फॉरवर्ड इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इलेक्शन कमीशन को बोला गया दैट आप पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करके इसका देखिए दैट क्या इसके एस्पेक्ट्स है, मतलब कैरी आउट किया जा सकता है क्या नहीं एक साथ। नेक्स्ट हमने देखा था ओशियन फॉरकास्टिंग सिस्टम को अनवील किया गया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आता है। तो इन्होंने ओशियन फॉरकास्टिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज मतलब इनॉग्रेट किया जिसके तहत कॉमोरोस, मादागास्कर और मोजाम्बिक जैसे कंट्रीज जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है तो इनको यू नो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, है ना। वो इंफॉर्मेशन क्या है, हाई वेव के इंफॉर्मेशन, करंट के इंफॉर्मेशन, विंड टाइड, सब सरफेस ओशन कंडीशन के इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, फायदा होगा उनके फिशर्समैन को, इनको कोस्टल पॉपुलेशन को, साथ ही साथ उनके टूरिज्म सेक्टर भी काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ऐसा ये एक यू नो इनिशिएटिव है, बेसिकली ये थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ राइम्स में इसको अनाउंस किया गया था। और राइम्स क्या है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड अफ्रीका। अब एशिया एंड अफ्रीका बोला गया तो आप समझ जाइए एशिया एंड अफ्रीका के कंट्रीज ही इसमें इंक्लूडेड होंगे, और यहाँ पे मेंबर कंट्रीज भी दिया हुआ है कौन कौन कंट्रीज में इंक्लूडेड है, और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दैट इट इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाई द मेंबर स्टेट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। और वो मेंबर स्टेट्स देख लीजिए कौन कौन है, 13 मेंबर स्टेट्स और 18 कोलाबोरेटिंग कंट्रीज भी अलग अलग इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट नीति आयोग ने सजेस्ट किया था वेस्ट टू एनर्जी प्लान टू क्लीन अप सॉलिड वेस्ट। देखिए सेटिंग इसके तहत उन्होंने बोला था एक अथॉरिटी का सेटअप होना चाहिए जो क्या विच विल टेक अप इंस्टॉलेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, है ना। और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बोला गया था जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा यू नो एफिशिएंसी लाया जा सके वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर में, है ना। साथ ही साथ अथॉरिटी का जो गठन करने वाला है इसको नाम दिया गया है वेस्ट टू एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इसलिए इन स्टेप लिया गया क्योंकि 2011 के सेंसस में ऐसा पता चला था दैट हर एक दिन जो होता है हमारा 170,000 टन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट हम हर रोज पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर सेपरेट करके यू नो वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट किया जाए तो यू नो काफी ज्यादा फायदा होगा इंडिया के इकोनॉमी के लिए भी, काफी ज्यादा जॉब सेक्टर में भी ग्रोथ पैदा होगा और अच्छी अच्छी बातें होंगी। नेक्स्ट इज नीति आयोग ने पिच किया था टू रिमूव एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, क्योंकि नीति आयोग द्वारा यू नो बोला गया था दैट अभी काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर्स है जिसके तहत मैनेजमेंट को काफी ज्यादा हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। अब इनको अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा दे तो यू नो मैनेजमेंट काफी ज्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ फायदा बोला गया था जैसे बिग ट्रेडर कंपनीज को यू नो ट्रेड कर सकती है अपने बीच में काफी आसानी के तहत, ठीक है। तो इसी के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है टू चेंज इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। इसके तहत अमेंड किया जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, है ना। और ये इसलिए चेंज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है क्योंकि गवर्नमेंट आरबीआई को ऑथोराइज करना चाहती है दैट आरबीआई के पास उतना पावर हो जिससे आरबीआई कोई बैंक को डायरेक्शन इशू कर सके दैट आप अपने नॉन परफॉर्मिंग या फिर बैड लोन्स के जो जो आपके मतलब रख रहे डिफॉल्टर्स उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई कर सके और सरकार आपके साथ है। नेक्स्ट हमने 29 अगस्त का देखा था दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल के बारे में था। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा लाया गया था, इसके तहत फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा जिससे सिटीजनशिप को एक्टिवली यू नो और सोशली इंक्लूड कर सकते हैं ना। और इसके तहत बोला गया था दैट इट विल इनकलकेट लीडरशिप स्किल टीम स्पिरिट, वही अच्छी अच्छी बातें ही सब कुछ है यार, और क्या क्या मतलब एक ही चीज़ क्या क्या बोलूँ यार, नाम से ही पता चल जाएगा आपको क्या हो सकता है ना, क्योंकि आप लोग इतना तो यार इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी के द्वारा दोस्तों ये न्यूज़ था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है टू अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज बायोटेक रेगुलेटर दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक एपेक्स बॉडी है जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है एंड विच इज फर्दर अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रपोजल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट इन टू द इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी अगर फ्यूचर में यू नो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को यू नो कमर्शियलाइज किया जाए। नेक्स्ट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में देखा था क्योंकि इसको अरेस्ट का पावर मिल गया है, तो ये बेसिकली एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम है जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है और ये वैसे फ्रॉड प्रोब्स को देखती है जो क्या इनकम टैक्स और सीबीआई भी छापा मार रही है, तो उनको भी काफी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये मल्टी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है जो किस किस डिसिप्लिन में काम करती है दोस्तों, ये लिखा हुआ है दैट कैपिटल मार्केट, अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिट, टैक्सेशन लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एक्सपर्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक से भी, है ना, सी ए जी।
तो इस सबसे लिया जाता है। नेक्स्ट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में दोस्तों हमने देखा था, क्योंकि स्पाइस डिजिटल लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया आरबीआई के द्वारा, तो इसके बारे में देखा था दैट ये है क्या दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज सिस्टम है जो क्या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लाया गया था उसके द्वारा, ठीक है। और ये वन पेमेंट वन स्टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके तहत यू नो पेमेंट किया जा सकता है आपका कैश, चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। नेक्स्ट हमने हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, ये बहुत बार वैसे दोस्तों डिस्कस किया है, बट जिसमें फिर बोल देता हूँ ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है जो कि जिसमें 40% गवर्नमेंट देती है और बाकी परसेंट जो डेवलपर या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो लगाती है ना, और इसका जो रिकवर करती है सरकार रिकवर करके उनको उनका फायदा देकर खत्म काम खत्म कर देगी, ठीक है। तो वही दोस्तों न्यूज है। नेक्स्ट इज हस्तकला सहयोग शिविर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक पैन इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कैंप है जिसके तहत जो कि इनिशिएटिव है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण वर्ष को, क्योंकि इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है उनका सेटनरी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी के तहत हमने ये हस्त सहयोग शिविर ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा उनको, मतलब हमारे इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को कैसे फायदा पहुंचाया जाएगा वो सारे इन पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट इज डोकलम विल रिकर वॉर्न आर्मी ऑफिशियल, ऐसा आर्मी ऑफिशियल से बोला है क्योंकि अभी तो डोकलम हुआ है तो ऐसा फ्यूचर में भी रिकर कर सकता है, इसीलिए हमारा अभी लाइन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका अलग अलग परसेप्शन जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा वो परसेप्शन हमें ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में भी ऐसा होता रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 30 अगस्त का हमने न्यूज देखा था दोस्तों, एटॉमिक फ्यूल रिजर्व को कजाकिस्तान में यू नो सेलिब्रेट किया, कजाकिस्तान के ओश्केमेन रीजन में, जिससे क्या, और ये दुनिया का पहला लो इनरिच्ड यूरेनियम बैंक है जिससे फ्यूचर में अगर कभी हमारे यूरेनियम का कोई भी देश को कमी महसूस हो तो वो इनसे बैंक ले सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में दिया हुआ था दैट आईएईए जो है इसके लिए रशिया के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिससे क्या रशिया का जो बॉर्डर रीजन है उस रीजन को अलाउ करे रशिया वो न्यूक्लियर फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बारे में दोस्तों थोड़ा न्यूज था। तो आईएईए के बारे जो उनका क्राइटेरिया था तो वो क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया था, है ना, तो ये भी देख लीजिए एक बार यार, खुद से पढ़ लो प्लीज। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है दोस्तों, ये एक वियना में हेडक्वार्टर है इसका, 1957 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर नहीं आता है, बट ये अपनी जो रिपोर्ट देती है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को भी देती है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट गोविंदो बोग राइस जो क्या मुर्शिदाबाद रीजन में बर्धवान रीजन में के वेस्ट बंगाल में बनता है, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया, तो उसी के थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में लिखे हुए हैं दोस्तों क्या क्या है। नेक्स्ट इज नीति आयोग has launched the ease of doing business report, और ये business report enterprise survey के द्वारा मुताबिक you know पाया गया है जो क्या IDFC institute के साथ में you know carry out किया गया था, इसके तहत 3500 manufacturing firms को से report लिया गया था, है ना। देखिए world bank का जो report होता है ना वो सिर्फ दिल्ली और मुंबई से ही हमारे report लेता है, but हमारे ये जो है 3500 manufacturing firm, तो मतलब ये ground report देगा हमारा ease of doing business actually इंडिया में कैसा है, ठीक है। तो उसी के बारे में न्यूज था। तो कुछ कुछ फाइंडिंग्स देखे गए थे दैट किस किस रीजन में हमें यू नो जैसे लेबर रेगुलेशन, इंफॉर्मेशन गैप, इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, है ना, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म के सेक्टर में हमने काफी ज्यादा अच्छे से ये सब डिस्कस किया था दोस्तों उसमें, दैट क्या क्या किस किस रीजन में क्या क्या कमियां हैं और कहां कहां हमें सुधारना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लोन वैरायटी ऑफ 2205 शुगर केन के बारे में हम डिस्कस किया था, कि ये हाइब्रिड क्लोन वैरायटी जो है ये 1918 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि सेटनरी ईयर मतलब आपका प्रीलिम्स भी 2018 में होगा, ठीक है, तो इसलिए ये एक बार देख लीजिए। ये जो पहला हाइब्रिड कॉर्न वैरायटी ऑफ शुगर केन है जिसको कहते हैं वैरायटी 2015, ठीक है, और 2205, ठीक है, तो इसी के बस यही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन इतना इसमें नहीं पूछेगा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर दिल्ली पुलिस ने युवा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसके तहत युवा को यू नो स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और ये प्रोवाइड जो किया जाएगा ये पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मतलब उन्हीं के यू नो ज्यूरिडिक्शन में वो ट्रेनिंग सेंटर जो रहेगा वहीं पर रहेगा। इससे क्या होगा ना यूथ जो है 17 से 25 साल के यूथ वो लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे पुलिस से भी, ठीक है, मतलब फ्यूचर में पुलिस को अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो उनसे डायरेक्ट वो हेल्प भी ले सकता है ना, और ये मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टाइप का भी एक देखा जा रहा है युवा प्रोग्राम।
नेक्स्ट हमने देखा था दोस्तों स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव के बारे में, जो क्या 30 से 31 को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो जैसा कि नाम बोलता है स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव, तो आप समझ ही होंगे एग्रीकल्चर को कैसे स्मार्ट करें, तो एग्रीकल्चर को में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फार्म इकोसिस्टम को कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है, और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे कैसे लाया जा सके। तो उसके लिए बोला गया था दैट एक फार्म जोन नाम का एक क्लाउड सर्विस ऑर्गेनाइज किया गया जाएगा, जो कि एक आर्टिफिशियल काम करे, इंटेलिजेंस काम करेगा। अब इसमें क्या होगा ना, जितने भी दुनिया भर या फिर इंडिया भर के डेटा, एग्रीकल्चर डेटा रहेंगे, उसको एक जगह कोलेट किया जाएगा, जिससे फ्यूचर में अगर कोई भी पॉलिसी मेकिंग में सरकार को अगर चाहिए, है ना, या फिर यू नो कोई एग्रीकल्चरिस्ट को चाहिए अगर कैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी इंडिया में इंप्लीमेंट करे, या तो दुनिया भर से रिपोर्ट यू नो एक जगह कलेक्टेड रहेगा, तो ये काफी ज्यादा आसानी रहेगा, है ना। इसलिए ये ध्यान रखिएगा फार्मर जोन है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। नेक्स्ट इज वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड को घोषित किया गया था नीति आयोग के द्वारा, कि और ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो क्या, जो वैसे वुमेन्स जो क्या अपने ग्राउंड में फिनोमिनल काम किया है, जिससे क्या भारत के सोसाइटी में उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज लाया, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। और इसको कौन लॉन्च करता है, उसको नीति आयोग, है ना। नेक्स्ट इज हमने देखा था अल्ट्रा थिन कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, एक अल्ट्रा थिन नैनो कार्बन नैनो ट्यूब जो कि 50,000 टाइम थिनर देन ह्यूमन हेयर है, उसके तहत यू नो उसको अगर एज अ डिसैलिनेशन प्लांट अगर डिप्लॉय कर दिया गया, तो कहा जा रहा है जो हमारा जो पानी का समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक चला जाएगा, क्योंकि इससे सागर का पानी को जो कि इतना नमकीन होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट रिफाइन करके पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसके न्यूज़ में था दोस्तों। नेक्स्ट हमने देखा था दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने फायर किया एक मिसाइल ओवर जापान टेरिटरी, ठीक है, और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ने सबने मिलकर कंडेम किया नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल टेस्ट को, क्योंकि सारे देश बोल रहे हैं दैट नॉर्थ कोरिया को अपना मिसाइल टेस्ट हॉल्ट कर देना चाहिए, बट वो है कि नाम नहीं लेती, क्योंकि वो भी अपना प्रोपोजिशन रख रही है, मतलब उनको डर लग रहा है दैट क्योंकि उनची फ्रीडम गार्जियन एक्सरसाइज जो कि साउथ कोरिया और यूएस के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है, तो उससे उनको डर लग रहा है कहीं यू नो हमारे इन्वेट नहीं कर दे, जैसे उन्होंने इराक को, यूएस ने इराक में इन्वेजन किया था, तो वैसे कहीं हमारे में इन्वेजन नहीं करता। और साथ ही साथ यूएस ने काफी ज्यादा हार्ड स्टेप्स लिया था लिया है, जैसे थार्ड के डिप्लॉय किया है साउथ कोरिया में, साथ ही साथ काफी ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स कैरी आउट कर रहा है उसके आजू बाजू सी ऑफ जापान वाले रीजन में, ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा है ना। तो यही बोला गया दैट ये काफी ज्यादा एस्केलेट कर दे रहा है सिचुएशन जो कि अभी वहां एग्जिस्ट कर रहा है ना, एंड इट इज सीन इन थ्रेटन टू सेंड ऑफ सेल्वो मिसाइल टुवर्ड्स यूएस टेरिटरी, मतलब उन्होंने ओवरऑल नॉर्थ कोरिया ने थ्रेट किया दैट हम ज़्यादा अगर हमें उत्पात करोगे तो हम लोग सीधा ग्वाम, आपका जो ग्वाम आइलैंड है वहाँ पर मिसाइल छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा दैट ट्रंप ने वार्निंग दिया था दैट हम लोग फायर एंड फ्यूरी के साथ आपको आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बहुत एस्केलेट है दोस्तों। नेक्स्ट 31 अगस्त का देख लेते हैं जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर लोअर कोर्ट्स, देखिए लोअर कोर्ट्स को रेगुलेट काफ़ी ज़्यादा नहीं किया जाता था, तो इसीलिए यही एलिगेशंस लगने के कारण नीति आयोग ने एक यू नो जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्म करने का सोचा है, जिसके तहत अभी लोअर कोर्ट्स में जो रेगुलेशंस की एलिगेशंस लगते हैं और साथ ही साथ इतने सारे केसेस पेंडिंग है जो क्या बोला जा रहा है दैट नियरली 3 करोड़ केसेस हैव बीन पेंडिंग फॉर इयर्स, तो वो सारे केसेस जिससे सुलग जाए, ठीक है, तो इसी के तहत बोला गया था दैट इट विल ट्रैक द परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस इंप्रूवमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट लेवल फॉर रिड्यूसिंग डिले एंड द प्रोसेस वुड रिक्वायर फिक्सिंग ऑफ नॉन मैंडेटरी टाइम फ्रेम्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस जो सरकार के पास आते हैं उसको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा, ठीक है, बट वो टाइम फ्रेम मैंडेटरी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है दैट फ्यूचर में भी यू नो थोड़ा लूज छोड़ा जा सकता है, मतलब थोड़ा टाइम फ्रेम को घटाया भी जा सकता है, टाइम फ्रेम को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट केसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो प्रॉब्लम्स उसमें होती है, ठीक है, तो बट एक टाइम फ्रेम फेस रहेगा, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं रहता था, है ना, तो इसी के बारे में बोला गया दैट इससे काफी ज्यादा केसेस भी घट जाएंगे और यू नो उन लोअर कोर्ट्स को रेगुलेट भी किया जा सकता है। प्राइवेसी सेफगार्ड कैन मेक आधार ए ग्लोबल मॉडल, ऐसा कहा गया था दैट आधार को काफी ज्यादा एक ग्लोबल मॉडल के तरीके से रखा गया है, क्योंकि आधार के पास प्रोटेक्शन उतना तो पावर है ग्लोबल मॉडल बनने का, बट कहीं ना कहीं एक आधार में एक फॉल्ट जो जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, क्योंकि सरकार एश्योरेंस नहीं दे पा रही है दैट डेटा प्रोटेक्शन सरकार कर पाएगी क्या नहीं आधार का, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है दैट आप इस्टोनिया और ऑस्ट्रिया जैसे कंट्रियों से सीखिए, क्योंकि उनके पास भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसमें उन्होंने ज़्यादा पावर दिया इंडिविजुअल्स को, मतलब वहाँ पर ज़्यादा यू नो डेटा प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो इन्हें गवर्नमेंट को बोला गया दैट इस यूरोपियन कंट्रीज़ के हमें सीखना चाहिए, है ना,
तो उसी के बारे में दोस्तों लिखा हुआ था, दैट आधार के बारे में थोड़ा बॉक्स में लिखा हुआ है, वो पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इस प्रगति के बारे में हमने देखा था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, जिसके तहत पीएम जो है हमारे डायरेक्टली आपका ई गवर्नेंस करते हैं डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, जिसके तहत पीएम और एक साइड पीएम और दूसरे साइड सेंट्रल और स्टेट लेवल के ऑफिशियल्स एक जगह यू नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आते हैं और बोलते हैं ग्राउंड लेवल में क्या क्या सिचुएशन है ना। तो ये काफी ज्यादा एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसा बोला जा रहा है ना। नेक्स्ट इस पगोडास के बारे में न्यूज था, क्योंकि हमारे कैबिनेट ने जो है जो क्या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया म्यांमार गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत उन्होंने बोला है जितने सारे पगोडास है जो क्या म्यांमार में अर्थक्वेक से अफेक्टेड हो गए हैं म्यांमार के बागान रीजन में इनफैक्ट, तो उनको यू नो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी सरकार भी उनको मदद करेगी। ठीक है, तो पगोडास होता क्या है दोस्तों, ये बेसिकली बुद्धिस्ट विहारा मतलब बुद्धिस्ट एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि विहारास के सामने रहते हैं ना, और ये ट्रेडिशन आपको बहुत देशों में पाया जाएगा है ना, नेपाल में भी पाया जाएगा, इंडिया के आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाले रीजन में भी पाया जाएगा। ठीक है, और मैंने देखा भी अपने आंखों से, मैं गया हूं तो ये मुझे मिला भी है, एंड चाइना जापान कोरिया वियतनाम बर्मा श्रीलंका एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया कुछ कुछ है ना, तो यहां पर आपको ये सब मिल जाएंगे पगोडास। नेक्स्ट इस स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में हमने देखा था, दैट स्वच्छता पखवाड़ा होता क्या है दोस्तों, ये बेसिकली हर एक मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करती है अपने मिनिस्ट्री में कोई प्रोग्राम जिसके तहत बोला जाता है दैट कैसे आप स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा अपने उसके मिनिस्ट्री में अपने मिनिस्ट्री में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके तहत उन्होंने डिफरेंट यू नो स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा था, साथ ही साथ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा था जिससे फ्यूचर के यूथ जो है डायरेक्टली स्वच्छता से कनेक्ट हो सके और फ्यूचर में उन लोग के दिमाग में एक इम्प्रिंट आ जाए दैट हमें भी अपना भारत को स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट इज अच्छा फ्यू मोर इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छता पखवाड़ा, वो भी लिखा हुआ है दैट दूसरे मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या कैरी आउट अभी तक किया है, जैसे क्लीनथॉन हिमालय एक नाम का एक प्रोग्राम था जो क्या रिवर गंगा को हिमालयन रीजन में जितने गंगा है जो क्या जिसको प्रदूषण हो गया है तो उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोग्राम था, और साथ ही साथ और भी देख लीजिए दोस्तों जैसे नैपकिन सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्कूल्स में लगाया गया था जिससे बच्चियों को यू नो सैनिटरी नैपकिन फ्री का मुहैया करवाया जा सके। ठीक है, और भी कुछ कुछ है यार, ये सब पढ़ लो क्योंकि डायरेक्ट इसका इससे फोल्डर आप लोग इंक्लूड कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना के बारे में पढ़ा था दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये न्यूज में इसलिए क्या था क्योंकि अभी तक टोटल 62 लाख इनरोलमेंट इसमें आ चुका है। ठीक है, तो पीएफआरडीए बेसिकली इसको रेगुलेट करता है और इसको बेसिकली टारगेट किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर था दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे भी सोशल सिक्योरिटी अब दीजिए। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे 18 से 40 साल के बीच में जो भी लोग हैं, तो आप भी अगर है तो आप भी इससे इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए करना आपको पड़ेगा दैट 1000 से 5000 तक का आपको प्रीमियम हर साल हर महीना देना पड़ेगा है ना, और साथ ही साथ सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगी 50% ऑफ जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हो है ना, और मैक्सिमम उसका सरकार जो कंट्रीब्यूट करेगी वो 1000 रुपया करेगी पर। ठीक है, नेक्स्ट इज IRNSS-1H के बारे में एक न्यूज था, क्योंकि इसको PSLV-C-39 के द्वारा आकाश में छोड़ा गया है क्योंकि IRNSS-1A जो है उसका रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया था। ठीक है, तो उसी को रिप्लेस करने के लिए IRNSS-1H छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जरा देख लीजिए इसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या काम करेगी IRNSS, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई सर्विस देगी, साथ ही साथ व्हीकल ट्रैकिंग फीस मैनेजमेंट नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, और साथ ही साथ अगर कोई ड्राइवर भी अपने गाड़ी में GPS लगाया हुआ है या फिर IRNSS-HS के सर्विसेज है तो उससे वो विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन भी कैरी आउट कर सकता है, और इसको कहा जाता है ये अगर फुल्ली डिप्लॉय हो गया तो US के GPS को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने इंडिया से है ना। नेक्स्ट इज दोस्तों बोला गया यहाँ पे 99% ऑफ द डिमोनिटाइजेशन नोट्स को रिटर्न कर दिया गया, ऐसा RBI का रिपोर्ट था। ठीक है, तो RBI इसके तहत बोला है जो 99% जो नोट्स है अभी तक 500 और 1000 के नोट वो RBI के पास वापस टोटली आ चुके हैं, और सरकार मतलब सरकार ने देखिए पहले जब नोटबंदी किया था तो क्या बोला था सरकार ने, जितने भी सारे ब्लैक मनी उसको पकड़ने के लिए मेनली नोटबंदी किया गया। ठीक है, बट सरकार के अभी तेवर चेंज हो गए, सरकार बोल रही है दैट हम इसको मनी वी डिडंट अप्लाई फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी है ना, हमारा मेन मोटो था दैट जितने भी सारे ब्लैक मनी है उसको फॉर्मल इकोनॉमी में डायरेक्ट लाना। ठीक है, और वो हमारा सक्सेस हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों सरकार ऐसा भी अपना प्रपोजिशन रख लिया दैट देखिए डिमोनिटाइजेशन से बहुत फायदा ही हुआ, क्योंकि अगर आप हमारा इनकम टैक्स रिटर्न देखिए उसमें बहुत ज्यादा
ज्यादा बढ़ोतरी हुई है ना, और जीएसटी इनफ्लो में भी काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी सारे अभी तक ब्लैक मनी एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया में, वो सारे व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, ऐसा बोला जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। सो दिस वॉज द न्यूज गाइज, अभी मतलब लास्ट के इतने बहुत बड़ा हो गया ऑलमोस्ट, है ना, 40 मतलब 50 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए इतना तो होता ही रहता है यार। अभी आप देखिए, मेनली मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं भी किया इसलिए क्योंकि मतलब अच्छे से तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ डिस्कस किया, बट जो टोटल जैसे नॉर्मल डेज में मैं डिस्कस करता हूँ वो उतना फुल एक्सटेंड में डिस्कस नहीं किया, वैसे पॉसिबल भी नहीं है। जब रिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो इसका रिवीजन का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उस पॉइंट को क्लिक करना, समझ रहे बात। तो ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट कंपाइलेशन के साथ, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कंपाइलेशंस जितने भी सारे न्यूज़ के देखने हैं तो नीचे में देख लीजिए आप, है ना, वहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, उस लिंक में जाइए, उस लिंक में आपको जाके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जितने भी सारे कंपाइलेशंस है, सारे कंपाइलेशंस स्टैक में लगे हुए हैं, है ना, जिससे क्या फ्यूचर में अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी ये सारे न्यूज़ देखना चाहो तो आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट का बटन क्लिक कर लो, आराम से देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट का वीडियोस रहता है सब कुछ, है ना, ये थोड़ा बढ़ गया बट कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है यार, है ना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक यू वेरी मच।